Count the items on the bell and press the number on the keypad. Let's count the apples. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Good counting. Now let's count the bananas. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. That's perfect. Count the grapes. 1, 1, 1. Good counting. You did it. That's a super happy customer. हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेकर मामा। मैं हूँ रागिनी और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर प्री स्कूलर, जिसका नाम है किडोपिया। किडोपिया को मैं पिछले 1.5 साल से अपनी बेटी अनिका के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, मुझे इसके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें देखने को मिले हैं। ये एक लर्निंग ऐप है और चूंकि मैं इस ऐप को पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैं आपसे इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी और इसके बेनिफिट्स के साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस है वो भी आपको बताऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किडोपिया अर्ली लर्निंग एडवेंचर्स। किडोपिया एक अवार्ड विनिंग लर्निंग ऐप है और इस सिंगल ऐप में मोर देन 1000 एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें बच्चों की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसीलिए ये ऐप टीचर्स अप्रूव भी है। इसमें कॉमन कोर मैथ्स प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को नंबर्स, शेप्स, पैटर्न्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। कॉमन कोर लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को ट्रेसिंग, अल्फ़ाबेट्स, फोनिक, ग्रामर और स्पेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिलती है। इसमें क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दिया गया है जिसमें बच्चों को फ्री प्ले, कलरिंग, पजल्स और म्यूजिक जैसी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। साथ ही इसमें बच्चों की सोशल लर्निंग और जनरल नॉलेज पर भी ध्यान दिया गया है जिसमें बच्चों को जियोग्राफी, प्रोफेशन, ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स जैसे सोशल टॉपिक्स पर भी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। किडोपिया एक किड सेफ और सर्टिफाइड ऐप है जो कि कम्प्लीटली एड फ्री है, जिसे आप आसानी से ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये इतना चाइल्ड फ्रेंडली है कि आपको बच्चों को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे आसानी से इस ऐप को मैनेज कर लेते हैं और इसमें जितने भी गेम्स हैं उसे खुद से ऑपरेट कर लेते हैं। चूँकि इस ऐप में इतनी सारी बेनिफिट्स और इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशन होना भी जायज़ सी बात है। तो चलिए बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। इस ऐप का जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो ये है कि ये एक परचेजिंग ऐप है और इस ऐप को कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो कि मंथली और एनुअली बेस्ड होता है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें कुछ गेम्स जो हैं वो स्टार्टर पैक के तौर पे आपको मिल जाते हैं और इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है 7 डेज़ की फ्री ट्रायल की, जिसे यूज़ करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं। कि चूँकि इस सिंगल ऐप में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गेम्स हैं तो इसी कारण ये आपके मोबाइल का एक अच्छा खासा स्टोरेज कैप्चर करता है, विच इज़ 687 MB। इसका अनदर लिमिटेशन ये है कि ये ऐप जो है सिंगल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इसमें बाकी लैंग्वेजेस के लिए कोई प्लेस नहीं है। बट फिर भी अगर आपका बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है और इस ऐप को यूज़ करता है तो इंग्लिश रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है बच्चों की वो स्ट्रांग हो जाएगी। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलती रहूँगी इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।